Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipar and you're watching Daily Current Analysis. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि GS पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ अबाउट द मिथेन इमिशंस. आज हम मिथेन इमिशंस डिस्कस करेंगे. नाउ रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह पता चला है कि अगर हम देखें कि मिथेन इमिशन का क्या स्टेटस है, सो इट इज़ अबाउट टू राइज बाय 13% बाय 2030. इफ़ यू डोंट हैव एनी ग्लोबल प्लेज विद दैट, हमारा जो मिथेन इमिशन है बाय 2030 इट विल राइज बाय 13%. एंड दिस हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट. दे हैव साइटेड कि एक अपकमिंग रिपोर्ट आ रही है बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. एंड उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि अगर हम ग्लोबल मिथेन की बात करें प्लस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर फोरम की बात करें जो कि 2022 में होने वाला है इन वॉशिंगटन DC, तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ से क्या निकालेंगे. ये जो स्टेटमेंट आई है कि मिथेन इमिशन 2030 तक 13% राइज कर सकती है, ये स्टेटमेंट कहाँ किसने है? द स्टेटमेंट इज गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट. एंड इन्होंने ये स्टेटमेंट ली है फ्रॉम एन अपकमिंग रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. और ये स्पीच वो दे रहे थे एट द ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर फोरम जो कि इस वक्त वॉशिंगटन DC में हो रहा है. तो बात समझ में आ गई. हमें यहाँ पे ये नहीं बताना चाहिए कि किसने बोला कि 13% से राइज हो जाएगा कैसे. नो, हमारे लिए यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न है कि ओके, मिथेन इमिशन की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास कोई ग्लोबल प्लेज नहीं है तो ये 13% राइज कर सकती है बाय 2030. एंड दिस इज़ एज पर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स रिपोर्ट. अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमने टर्म बात की है ग्लोबल मिथेन प्लेज की. इसके बारे में समझेंगे दैट व्हाट इज़ दिस ग्लोबल मिथेन प्लेज. ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि अगर कोई ग्लोबल प्लेज नहीं है तो 13% राइज कर जाएगा. क्या है ग्लोबल मिथेन प्लेज, एक तो हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, देन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट मिथेन ओवर हियर. मिथेन के बारे में भी हमको पता होना चाहिए दैट वाई वी आर कंसर्न्ड अबाउट द इमिशन ऑफ मिथेन. देन यहाँ पे एक और चीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ द क्लाइमेट एंड यू नो क्लीन एयर कोलिशन. क्लाइमेट, दिस इज CCA, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ये क्या है. देन देर इज़ अ ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आएंगी रिलेटेड टू दी मिथेन इमिशन दैट विल डिस्कस, बट मेनली हम इस तरह इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन शुरू करते हैं विद दी ग्लोबल मिथेन यू नो प्लेज. क्या प्लेज है, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो 2021 में ग्लोबल मिथेन प्लेज आती है. एंड द एम ऑफ दिस प्लेज इज टू कीप अलाइव द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल. जो हम गोल लेकर चलते हैं कि हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अगर हम देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बट विद ग्लोबल मिथेन प्लेज हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के गोल पर रखें. Over 100 countries they have committed to this, and जिसमें उन्होंने प्लेज किया है कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो मिथेन इमिशंस हैं हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा. एंड वी विल रिड्यूस दिस एटलीस्ट 30% बाय 2030. 2020 से लेकर एफर्ट शुरू किए जाएँ कि जो मिथेन है उसकी इमिशन को कम किया जाए. कितना कम किया जाए, एटलीस्ट 30% बाय 2030.
और अगर इस तरह रिडक्शन होगी, दिस कैन एलिमिनेट ओवर 0.2% 0.2 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाय 2050। अगर हम मीथेन इमिशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो बाय 2050 0.2 डिग्री सेल्सियस हम ग्लोबल वार्मिंग में से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे लिए ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज अमंग टॉप 5 मीथेन इमिटर्स ग्लोबली। हम टॉप 5 इमिटर्स में से आते हैं एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्लेज। हमने इस प्लेज में पार्ट नहीं लिया है एंड वी आर वन ऑफ द टॉप 5 इमिटर्स ऑफ मीथेन। यू शुड नो अबाउट इट। एंड इंडिया में भी मोस्टली जो मीथेन इमिशन होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। दिस कैन बी ट्रेस्ड टू एग्रीकल्चर। हम देखेंगे किस तरह। तो बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंस समझ में आ गया हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं। ग्लोबल मीथेन प्लेज है, 30% रिड्यूस करना है बाय 2030। कितना कम हो जाएगा टेम्परेचर बाय 2050? 0.2 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ जाएगा। क्या इंडिया ने इस प्लेज को लिया है? आंसर इज नो। क्या इंडिया मीथेन इमिशन करता है? आंसर इज येस। वी आर दी अमंग टॉप 5 यू नो मेंबर्स हु यू नो रिलीज मीथेन। नेक्स्ट, व्हाट इज मीथेन? मीथेन एक शॉर्ट लिव्ड केमिकल पोल्यूटेंट है। जिस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उसी तरह हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ सालों तक मीथेन भी रिजाइड करता है। इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम देर तक स्टे करता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जब भी हम मेजर करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड से मेजर किया जाता है। आज अपनी इन्वायरमेंट क्लासेस में पढ़ते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, यू रीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जो भी आपकी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका क्या पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और इसे हमेशा कंपेयर किया जाता है विद दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम मीथेन की बात करें, द मीथेन्स पोटेंशियल टू वार्म द एटमॉस्फेयर, इट कुड बी 80 to 1500 टाइम्स ग्रेटर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। 80 to 1500 टाइम्स ग्रेटर पोटेंशियल इट हैज। एंड देयरफॉर इफ वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, द करंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस ड्रिवन ग्लोबल वार्मिंग in which methane is also a major contributor, about 1/3 of the contribution is done by the emissions from methane. How can methane comes into our atmosphere? See, it can come during leaks in oil or gas industries. Oil or gas industries ke leakage se methane release hoti hai. And the most important thing, livestock rearing mein bhi methane gas release hoti hai. And plus, whenever there is decomposition of the waste in the landfills, that also releases methane. But यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जहाँ पे भी livestock rearing होगी, वहाँ पे methane release होगी. And when we talk about fighting with the climate change, global warming, over there, mitigating methane is very important. And we need to do this, only then we can achieve the decarbonization goals. Removal of methane will further enable carbon dioxide's removal. But as of now, there is only 2% of the global climate finances that is focusing towards the, methane emission or eliminating methane emission. Methane emissions in 2030, they can be reduced by 57% if we use our available strategies and technology. जैसे कि हमने कहा कि अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो इट कैन डेफिनेटली डिक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग बाय 2050 बाय 0.25 डिग्री सेल्सियस एंड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट कैन गो अप टिल 0.5 डिग्री सेल्सियस। एंड देन वी नीड टू लुक एट दिस मैप। दिस मैप शोज मीथेन इमिशंस इन इंडिया। एज यू कैन सी, almost the major agrarian states, the states practicing livestock rearing,
The states who are engaged in paddy cultivation, livestock rearing, mainly agriculture, all of these states releases emission. There are just few areas like your Himalayan region where you have less release of methane, or these, you know, Chola Nagpur plateau region. Otherwise, you can see the entire India is hot red when it comes to methane emissions. We are the top five, among the top five, you know, countries who release methane. Next, what is important, jo ki UPSC pooch bhi chuka hai, that is the Climate and Clean Air Coalition. This has been asked by UPSC already. Climate and Clean Air Coalition. Now, what is this? This is a voluntary partnership of governments. In this, intergovernmental organizations can also participate, businesses participate, scientific institutions, any civil society. It's a voluntary partnership. Governments, intergovernmental bodies, business, scientific institutions, anybody can participate in this. Those who are committed to improve the air quality and protecting the climate through reducing their actions, you know, especially by reducing the short-lived climate pollutants. So such organizations, such governments, such businesses can participate, those who are committed to improve the air quality, those who are committed to protect the climate through their actions by reducing the short-lived climate pollutants. It is important because it was formed in 2012, and this was formed by the governments of Bangladesh, Canada, Ghana, Mexico, Sweden, and United States, along with UNEP. UNEP ke saath saath Bangladesh, Canada, Ghana, Mexico, Sweden, US inhone milkar isse form kiya hai. Aim humne dekh liya. इसमें फास्ट एक्शंस को सपोर्ट किया जाएगा. ऐसे एक्शंस दोज हु विल डिलीवर द बेनिफिट्स ऑन मेनी फ्रंट्स लाइक क्लाइमेट को लेकर, पब्लिक हेल्थ, एनर्जी एफिशिएंसी, फूड सिक्योरिटी, इन सब को अचीव किया जाएगा. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर आर 76 कंट्रीज एंड अमंग देम इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टनर. इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टनर टू द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन. ठीक है, इंडिया पार्टनर है. क्वेश्चन आया है. अब यहाँ पे इसकी 2030 विजन इज इम्पॉर्टेंट. हमारा जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, इसकी 2030 विजन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. दैट इज टू अचीव, इफ यू वांट टू अचीव द गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट व्हिच इज टू होल्ड द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. सो फॉर दैट द मिथेन इमिशंस कैन बी रिड्यूस टू 40% एंड ब्लैक कार्बन बाय 70% by 2030, and this measurements is basically from 2010 levels. And hydrofluorocarbons ki baat karein to usko tum virtually eliminate kar hi sakte hain, you know, with a potential of 99.5% reduction by 2050. This is the vision of the climate and clean air coalition to which India is a partner. Theek hai, question aa chuka hai. हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, देख ही लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को. लेट्स सी. या सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप. नहीं, अभी हम देख कर आए हैं UNEP था और उसके साथ साथ बांग्लादेश, घाना, स्वीडन, कनाडा, US ये कंट्रीज थे. G20 तो कंट्रीज यहाँ पे है ही नहीं, तो पहले स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन इट इज सेइंग दैट इट फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. द स्टेटमेंट इज ट्रू, अभी हमने देखा है. पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आर यू सीइंग दिस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इसी टॉपिक से जुड़ी हुई एक और चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं टू बी ऑन अ सेफ साइड, विच इज़ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव. वी हैव ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव जो कि 2004 में लॉन्च किया गया था. दिस इज बेसिकली एन इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव, एंड इसमें बेसिकली
कॉस्ट इफेक्टिव जो आपके पास मीथेन अबेटमेंट्स हैं उन्हें एडवांस यहाँ पे किया गया है. कॉस्ट इफेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट? रिडक्शन. हम ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मीथेन की रिडक्शन हो, हम रिकवरी कर सके हमारे. वी कैन यूज़ मीथेन एज अ वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स. मीथेन को आप बायोगैस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. एग्रीकल्चर, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वेस्ट वाटर, इन सब को यूज़ करके आप बायोगैस बना लीजिए. कोल माइंस, ऑयल एंड गैस सिस्टम्स, ये सब वो ऐसे वैल्यूएबल सेक्टर हैं जहाँ पे मीथेन यूज़ होती है बायोगैस की फॉर्म में, कोल माइंस में, ऑयल और गैस सिस्टम्स में. तो इस ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव में फोकस किया गया है दैट वी नीड टू टेक सम कलेक्टिव एफर्ट्स. हमें कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच रखते हुए ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रिड्यूस करना होगा. ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इट विल इम्प्रूव द एयर क्वालिटी एंड इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द वर्कर सेफ्टी. सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया हमने, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ तक, इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर एयर क्वालिटी तक और वर्कर सेफ्टी तक. इस ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के 46 पार्टनर कंट्रीज हैं. अगर इनको मिला लिया जाए तो 75% वर्ल्ड का एस्टिमेटेड मैन मेड मीथेन इमिशंस यहीं से होता है. देर इज ऑल्सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे काम करती हैं, एनजीओज यहाँ पे काम करते हैं ताकि एक कैपेसिटी बिल्डअप हो सके. देन दे शुड बी द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी शुड प्रमोट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ऑन द सेम लाइन्स वी हैव इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर लेते हैं. वी नो कि इसे OECD ने इस्टेब्लिश किया था, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. 1974 में OECD ने इसे इस्टेब्लिश किया. वेन इन 1973 दीज कंट्रीज फेस्ड ऑयल क्राइसिस. ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इसके 4 फोकस एरियाज हैं. वन इज energy security, economic development, environmental awareness and engagement worldwide. थोड़े दिनों पहले भी हमने इसे डिस्कस किया था. इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है. रोल्स की बात करें तो बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें बेसिकली हेल्प करता है कि अगर कोई मेजर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन हो जाती है तो उस केस में किस तरह रिस्पॉन्ड करें. दिस रोल इवन कंटिन्यूज टू फुलफिल टूडे एज वेल. ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स क्या हैं उसकी उसे ट्रैक किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है. ओवरऑल एक साउंड एनर्जी पॉलिसी हो, ये इसके रोल में आता है. एंड मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी बनी रहे. कॉम्पोजिशन में 30 मेम्बर्स हैं एट प्रेजेंट, जिसमें 8 एसोसिएशन कंट्रीज आ जाती हैं इसमें. और इसमें एक और चीज़ है कि जो कैंडिडेट कंट्री है इट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ OECD. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी OECD कंट्रीज आपके इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर हो. मुझे लगता है ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके साथ एसोसिएट करने के लिए जो कैंडिडेट कंट्री है उसे OECD का मेंबर होना होगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही OECD मेंबर्स IEA के मेंबर कंट्रीज हैं. राइट नाउ देर आर 3 कंट्रीज जो कि फुल टाइम मेंबरशिप ले रहे हैं. दो आर सीकिंग फॉर दिस, विच आर चिली, इज़राइल एंड लिथुआनिया. चिली, इज़राइल एंड लिथुआनिया. डिफरेंट टाइम्स पे रिपोर्ट्स भी आती हैं यहाँ से. ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस एंड ऑल्सो एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रस्पेक्टिव्स. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स विच आर रिलीज बाय IEA. तो कुल मिलाकर यहाँ से हमारा मीथेन इमिशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल GSAPR 1 आर्ट एंड कल्चर परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट बाथुकामा फेस्टिवल. नाउ बाथुकामा फेस्टिवल, दिस इज सेलिब्रेटेड एट इंडिया गेट. दिस विल बी सेलिब्रेटेड इंडिया गेट विद तेलुगु पीपल हु आर लिविंग इन न्यू दिल्ली. एंड दिस विल बी डन अंडर द एजेस ऑफ
कल्चरल मिनिस्ट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो क्या है ये बाथुकामा फेस्टिवल? ये एक कलरफुल फ्लोरल फेस्टिवल है. बाथुकामा इज द फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना. याद रखेंगे कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? तेलंगाना का फेस्टिवल है. इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय विमेन फोक जो कि एग्जॉटिक फ्लावर्स इस रीजन के लेकर आते हैं और उन फ्लावर्स के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. इट ऑल्सो कम्स ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द मानसून, विंटर की जब ऑनसेट शुरू होती है. बेसिकली टू डेज बिफोर दशहरा इसे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ दीज फ्लावर्स आर गानुका एंड तांगेडू. दो फ्लावर्स बहुत सारे यूज़ होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा गुनुका और तांगेडू फ्लावर जो है उसे यूज़ किया जाता है. यहाँ पे शिल्पाका पांडलू विच इज़ बेसिकली कस्टर्ड एप्पल्स और पुअर मैंस एप्पल, ये भी एक अट्रैक्शन बनता है इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन का. फ्लावर्स को यहाँ पे रो आफ्टर रो अरेंज किया जाता है इन अ ब्रास प्लेट, तांबलाम जिसे कहते हैं, ब्रास प्लेट में रो आफ्टर रो यहाँ पे फ्लावर्स को अरेंज किया जाता है बेसिकली इन द सर्कुलर रोज. अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स यूज किए जाते हैं. जो वेमेन फोक है वो इन फ्लावर्स को अपने हेड पे कैरी करते हैं. दे मूव टूवर्ड्स अ बिगर वाटर बॉडीज नियर द विलेज. एंड देन दिस बाथा कामुल दिस इज स्लोली इमर्ज इन द वाटर. एंड ये करने के बाद यहाँ पे एक डिजर्ट सर्व किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज मालीडा. मालीडा विच इज़ मेड अप ऑफ शुगर और रॉ शुगर एंड कॉर्न बीड्स. कॉर्न ब्रेड और शुगर को यूज़ करके मालीडा बनाया जाता है. द वेमेन दे मेक बोडेमा विच इज़ द डेटी ऑफ गौरी मदर दुर्गा. उनको अर्दली मड के साथ बनाया जाता है अलॉन्ग विद बाथाकामा एंड दिस इज इमर्स्ड इन द पॉट. दिस बेसिकली हेल्प्स टू रीइंफोर्स द पॉन्ड. इट हेल्प्स द पॉन्ड टू रिटेन मोर वाटर. जो फ्लावर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं दे आर ऑफ ग्रेट क्वालिटी एंड दे हेल्प इन प्यूरिफाइंग द वाटर इन द पॉन्ड्स एंड द टैंक्स. सो देयरफॉर दिस इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली. अब हम इस टॉपिक की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस आए भी हुए हैं. देखो ये स्टेट का नाम है, उनके ट्रेडिशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इन पेयर्स को कंसिडर करो. तो इसी तरह बाथुकामा फेस्टिवल आ सकता है. तो याद रखेंगे कि कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है. दिस इज द फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, राइट? सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव क्योंकि पहली बार इंडिया गेट में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.